देश में महाशिवरात्रि का पर्व कल यानी 1 मार्च को मनाया जाएगा। शिवरात्रि को लेकर शिवालयों में शिव भक्तों का तांता देर रात से ही लगने लगेगा। वहीं महाशिवरात्रि को देखते हुए शहर के मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि इस बार महाशिवरात्रि का पर्व कोविड नियमों के साथ मनाया जाएगा। पी रोड स्थित वनखंडेश्वर मंदिर में भी इस बार भी शिव की भव्य झांकी निकाली जाएगी, जिसको लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र दीक्षित ने बताया कि शहर का ये मंदिर शिव भक्तों के लिए एक अलग ही महत्व रखता है। उन्होंने बताया कि कोविड के नियमों के साथ ही भक्त बाबा के दर्शन कर सकेंगे। पूरे देश में कल महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। देर रात से ही शहर के शिवालयों में भक्तों का तांता लगने लगेगा। इस वक्त हम लोग पी रोड के वनखंडेश्वर मंदिर पे खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक दिन पहले किस तरीके की व्यवस्थाएं कल के लिए करी गई हैं, इस वक्त हमारे साथ रमेश दीक्षित जी हैं, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं मंदिर के, उनसे ही बात करेंगे। क्या कुछ सर, क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं कल के लिए? कल महाशिवरात्रि है, क्या कुछ व्यवस्थाएं? महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। इसी दिन भगवान शंकर जी की बारात आई थी और ये महत्व हिंदुओं में सबसे बड़ा महत्व का त्यौहार माना जाता है। बड़ा धार्मिक त्यौहार है। बच्चे, स्त्रियां, पुरुष बड़ी संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं। यहाँ 25,000 से 30,000 तक की भीड़ होती है। यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था तो प्रशासन ने रोक दी है, लेकिन यहाँ पर फलाहार वितरण, ये हमारे शशांक दीक्षित जो हमारे बेटे हैं उनकी तरफ से फलाहार वितरण, जिसमें फलों का वितरण होगा। और हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से अनुरोध करते हैं कि पूरे परिवार सहित आए। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था है, सैनिटाइज की व्यवस्था है और मास्क की भी व्यवस्था की गई है। वनखंडेश्वर मंदिर की क्या मान्यता है, पहले क्या कुछ मान्यता रही है? मान्यता ये है, 250 साल पुराना ये मंदिर है। एक बेहद छूटे रूप में था, यहाँ पर एक गाय आती थी और उसका दूध अपने आप गिरता था। तो पुराने लोगों ने, जो बुजुर्ग लोग थे, उन लोगों ने सोचा ये दूध क्यों अपने आप गिरता है। तो उन्होंने यहाँ की खुदाई की और खुदाई में एक मूर्ति निकली। तो उस समय इतना पैसा नहीं था तो यहाँ पर मूर्ति को स्थापित कर दिया, चबूतरे के रूप में उसको स्थापित कर दिया और वही आज बृहत रूप होते हुए थे। इतनी मान्यता है, चाहे बलखंडेश्वर बाबा हों, चाहे आनंदेश्वर बाबा हों और चाहे जागेश्वर बाबा हों, इनकी गणना, नागेश्वर बाबा हों, इन मंदिरों में अब इस मंदिर की गणना होती है। और यहाँ सिद्धि के लिए, शांति के लिए लोग, आशीर्वाद लेने के लिए लोग आते हैं, मनोकामना लेके आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चाहे शादी हो, ब्याह हो, परीक्षा हो, कोई भी व्यक्ति जो यहाँ क्षेत्र के निवासी हैं, आसपास के लोग हैं, पहली मन्नत बाबा को, पहला कार्ड बाबा को, पहला आशीर्वाद बाबा से लेते हैं। हम सब लोगों पे भी, हमारे भक्तों पर भी ईश्वर की बड़ी कृपा है, बाबा भोलेनाथ की, बाबा बलखंडेश्वर बाबा की विशेष कृपा और अनुकंपा है। हम सब आप लोगों के आभारी हैं, आप आए, हमारा इंटरव्यू लिया, धन्यवाद की बात। कल महाशिवरात्रि है, देर रात से ही भक्त पहुँचने लगते हैं क्योंकि प्रतिष्ठित मंदिर है शहर का ये। तो किस तरीके, क्योंकि कोविड भी है तो उसको देखते हुए किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई? यहाँ पर 3 बजे सुबह मंगला आरती होगी, 3 बजे से पट खुल जाते हैं, भक्तों का आवागमन शुरू हो जाता है और 5 बजे तक तो भीड़ बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे आनंदेश्वर मंदिर के पट खुलते हैं, भक्त वहाँ दर्शन करते हैं और कुछ भक्त यहाँ पर भी पहले दर्शन करके बाबा बलखंडेश्वर मंदिर में आते हैं। उसके बाद यहाँ के परिवार के लोग, आसपास के लोग और आसपास गांव के भी लोग, बहुत से लोग बड़ी संख्या में अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं और बाबा भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मंदिर के अध्यक्ष रमेश दीक्षित जी ने बताया कि कल किस तरीके से व्यवस्थाएं होने वाली है। महाशिवरात्रि है, कोविड को देखते हुए पूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी। अब देखना यह है कि भक्त किस तरीके से यहां पे पहुंचते हैं और क्या कुछ कोविड का पालन करते हैं। मेरा श्याम के साथ अपने शुक्ला जेम डी न्यूज़ कानपुर।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।